हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट क्या है और इसको कैसे यूज करके हम अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। जो हमारे नए भाई बहन हैं, जो भी शेयर मार्केट से नया नया जुड़े हैं, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर जब कोई हमारा डीमैट अकाउंट खुल गया, अब उसमें जब किसी शेयर का हम चार्ट खोलते हैं तो चार्ट में हमको कुछ ऐसी कैंडल्स दिखाई देती हैं। देखिएगा, कुछ ऐसी पिक्चर आपको देखने को मिलती है। ये वीडियो बहुत ही बेहतर आपके लिए होने वाली है, अगर आप बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट बहुत करीब से समझने के लिए, और अगर आप उसे ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो ठीक है। ऐसे आपको कुछ रेड कैंडल दिखाई देती होंगी, ठीक है। उनमें ऐसे क्या होगा, ये पार्ट ऐसे आपका पूरा कलर होता होगा रेड में, ठीक है, चार्ट पर। और कुछ कैंडलें आपको ऐसी ग्रीन में भी दिखती होंगी, जैसे कि ये कैंडल हमने बना दिया, एक हो गई रेड कैंडल, एक हो गई ग्रीन कैंडल, ये बड़ी बड़ी कैंडल हो गई, ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये कैंडल्स होती क्या है। पहली बात तो, अगर आपकी कोई कैंडल रेड बनी हुई है, जैसे आप गए चार्ट पर क्लिक किया, कोई एक चार्ट ओपन होके आएगा, उसमें यही दो कैंडलें आपको दिखाई देती हैं, रेड या तो ग्रीन, तीसरी कैंडल तो हम देखते नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि रेड कैंडल बनी है तो देखिए मार्केट में क्या दो लोग होते हैं मार्केट में, ठीक है, एक होता है बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला दोस्तों, ठीक है। एक होता है बायर, एक होता हमारा बायर, और एक हमारा होता है दोस्तों सेलर, ठीक है, सेल करने वाला। तो शेयर मार्केट हमारे एकदम दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे हम करते हैं कि अगर हम किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं तो तभी खरीद पाएंगे जब हमारे सामने वाला वो चीज हमको बेचने को तैयार हो। तो वही है, बायर और सेलर का खेल चलता है। अब वही समय, कौन सा सही समय है कि हमें कोई चीज बाय करना चाहिए या कोई चीज में सेल करना चाहिए, उसके लिए यह कैंडलस्टिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कि शेयर मार्केट से हम कम समय में कैसे अच्छा पैसा कमाएं, उसके लिए आपको कैंडलस्टिक की पूरी संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, अगर रेड कैंडल बनी हुई है तो रेड कैंडल यह शो करती है कि ये दिन जो है सेलर के नाम था, मतलब इस दिन सेलर हावी थे, तभी तो रेड बन गई। क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारी बनी कैंडल, ये जो बीच का रंगीन हिस्सा है, कलर पार्ट जो है ये रेड, इसको हम बोलते हैं दोस्तों बॉडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और आप देखेंगे ऊपर ये क्या है, डंडी निकली पड़ी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बिक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या है कि ये जो ऊपर तक जहां तक बिक गई है, जहां तक बिक गई है, सबसे टॉप का जो एरिया है, जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं कि भैया ये दिन का हाई था, ठीक है। क्या हाई था, शेयर का हाई था। मैं भी एग्जांपल से बताऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी आप बस समझे कैंडल का जो ये रूप है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है। रेड कैंडल है, ठीक है, तो ऊपर की जो बिक का मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या हो गया हमारा, वो दिन का हाई हो गया। और कैंडल की जो नीचे की बिक को शैडो बोलते हैं, जहां तक आई है वो हमारा क्या हो गया, दिन भर का हमारा दोस्तों ये लो हो गया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ, अब जो ये बॉडी हमारी है, ये हिस्सा जो हमारा बॉडी का है पूरा, यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा कलर पार्ट है, जो हमारा जो ऐसी एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बॉडी बोलते हैं। और चाहे ग्रीन के लिए होगा और चाहे वो रेड के लिए होगा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी, और इसको हम क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, ठीक है। अब जो बॉडी का ये ऊपर का पार्ट है, ये रेड कैंडल के लिए ये क्या होता है, ओपनिंग, ओफर ओपनिंग। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, पूरी चीजें समझाएंगी, पूरा मैं एक नंबर लेके बताऊंगा आपको। ये ओपन हो गया, और जो बॉडी का लो पार्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, ये क्लोजिंग है रेड कैंडल के लिए। यही सेम चीज है सब कुछ ग्रीन कैंडल के लिए भी है, बस कुछ दो चीजें इसकी बदलने वाली है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। वो क्या होगा, अगर हमारी एक ये ग्रीन कैंडल है तो ये दिन किसके नाम रहा, ये दिन तो पहली बात नाम रहा हमारे बायर के, मतलब इस दिन क्या हुई है, शेयर में जबरदस्त बाई हुई है,
इसलिए ग्रीन कैंडल आई है। कैसे? अभी आपको मैं लॉजिक से बताऊंगा इस चीज को। यहां पर भी ये हमारा क्या है कि जो हमारा बीच का ये करंट पार्ट है, ये क्या हमारा है? बॉडी है। ठीक है, पूरा भर नहीं रहे दोस्तों, आप देखेंगे पूरी भरी रहती पूरी कैंडल जब आप जाके डीमैट अकाउंट में देखेंगे चार्टों को। ठीक है, सब कुछ वही सेम है, जो ऊपर की साइडों की जो टॉप एरिया है ये हाई हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में जो हमारा ये शेडो का सबसे नीचे का जो लेवल है, सबसे लो पॉइंट जो है, वो क्या हो गया? दिन भर का हमारा लो हो गया, अल्फा लो हो गया। ठीक है, अब जो ये बॉडी पार्ट है, मैं इस वाले बात कर रहा हूं, इसको क्या बोल रहे हैं? बॉडी बोल रहे हैं। ठीक है, इसको ये दो पार्ट है ना बॉडी के, ऊपर नीचे के। अब डिफरेंस क्या है कि अगर हमारी ग्रीन कैंडल है, उसके लिए जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है? क्लोजिंग है। और जो नीचे का ये बॉडी पार्ट है ये हमारा क्या है? ओपनिंग है। ठीक है, ये हमारा जो है रेड और ग्रीन में डिफरेंस हो गया। सब कुछ सेम था कि और इसकी ओपनिंग ऊपर थी तो ओपनिंग नीचे हो गई, इसकी क्लोजिंग नीचे थी इसकी क्लोजिंग ऊपर हो गई। आप खुद समझिए। अब मैं एक बनाता हूं कैंडल। ठीक है, सपोज करिए हमारी मार्केट कितने बजे खुलती है? 9 बज के, वैसे तो 9 बजे खुल जाती प्री ओपनिंग, मैं 9:15 बात करूं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं 9:15 से। ठीक है, और क्लोज कब होती है हमारी मार्केट? 3:30 पर, 9:15 AM पर ओपन होती है, और 3:30 PM पे हमारी क्या होती है? मार्केट बंद होती है। इसको आप कह सकते हैं यहां ओपन हो रही है और यहां पर क्या हो रही है? मार्केट क्लोज हो रही है। लेकिन 9:15 से 3:30 तक, 3:30 तक कैंडल क्या होती है? ऐसे ऐसे चलती तो है बीच में, तो जब वो बीच में चलती है तो उसके बीच में हमारा क्या होता है? दिन का ये हाई और लो बनाती है कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं कि जहां ओपन हुई है वहीं पर उससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, उससे ऊपर भी जा सकती है। तो क्या है, मान लीजिए कोई शेयर हमारा 100 रुपए का है। ठीक है, 9:15 पे हमारा कोई शेयर है वो 100 रुपए पर खुला कि भैया आप 9:15 हुआ, आपने देखा कि शेयर क्या हुआ 100 रुपए पे खुल रहा है, और दिन भर वो ट्रेड किया 9:15 से 3:30 की जो ट्रेडिंग उसमें चली, तो 100 रुपए का शेयर दिन के किसी एक टाइम पर उछाल मार दिया, 105 रुपए का हो गया। दिन के किसी टाइम पर ये शेयर क्या हुआ? 100 से 105 पर चला गया, हाई मार दिया। अब ये भी नहीं आवश्यक है कि 105 का हाई मार दिया है तो जो है उससे नीचे नहीं आएगा। सपोज करते हैं सॉरी दोस्तों, सपोज करते हैं कि 105 का हाई मार दिया था लेकिन 105 पर वहां पर रुक नहीं पाया, वहां पर वो ऊपर के स्तरों पर जहां तक गया 105 पर रुक नहीं पाया, वहां से थोड़ी सी सेलिंग आ गई। अब थोड़ा सा नीचे आके सपोज करिए 103 पे आके क्या हो गया? बंद हो गया। तो आपने इसमें क्या देखा कि शेयर की ओपनिंग हुई 100 रुपए पे, शेयर की ओपनिंग तो होती है 100 रुपए पर, हाई मारता 105 रुपए का, या हाई कितने मारा? 105 का, और क्लोजिंग कहां दे रहा है? 103 रुपए पर। ओवरऑल देखिए तो ओपनिंग 100 पर हुई है, क्लोजिंग कहां पर हुई है? 103 पर। मतलब शेयर जहां पे ओपन हुआ उससे 3 रुपए ऊपर ही जाके 330 पर वो बंद हो गया। 9:15 पर ओपन होता है 100 रुपए पर शेयर, और 330 पे जाके क्लोज होता है 103 रुपए पर। तो आप खुद सोचिए, कोई चीज 100 रुपए पे ओपन होकर उससे 3 रुपए ऊपर जाके बंद हो रही है तो उसके लिए क्या बननी चाहिए? ग्रीन कैंडल। कैसे? मैं बताता हूं, आप इसी एग्जांपल को यहां पर रखिए, अभी आप खुद देख लेंगे ये ग्रीन कैंडल ही बन रही है। आप इस एग्जांपल को यहां पर आप रखिए, क्या लिखा है? 9:15 पे कहां पे सेल खुला? 100 रुपए पर, तो ओपनिंग कहां हुई? 100 पे, ये हो गया 100। ठीक है, क्लोजिंग कहां हो रही है? सिफर क्लोजिंग कहां क्लोज हो रहा है? 330 तक, 103 पर क्लोजिंग कहां हुई? 103 रुपए पर। तो देखिए यहां पर कौन हावी रहा? बायर ही तो हावी थे, शेयर 100 रुपए पर ओपन होता है और 103 पे जाके बंद हुआ, इसलिए क्या बन गई? ये ग्रीन कैंडल बन गई। अब इसी का उल्टा सोच लीजिए कि हाँ, हाई लोग बात आती, हमने कहा 105 का हाई मारा था, तो हाई इसका क्या था? 105 रुपए था। मतलब दिन के किसी टाइम पे स्पाइक आई, हाई मारा 105 रुपए पर, ट्रेड किया है 105 रुपए शेयर, लेकिन वह सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा और 2 रुपए नीचे गिर के 103 पे जाके बंद हो गया। लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग से ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग से क्लोजिंग क्या हुई? ऊपर हुई है, तो हमारी क्या बन गई? ग्रीन कैंडल।
अब मान लीजिए 100 रुपए का शेयर ओपन हुआ था, किसी एक बार इसने क्या किया 98 का लो मारा भाई, 9:15 पे जो मार्केट ओपन होगी जो शेयर, ऐसा तो नहीं कि वहीं जाके सीज हो जाएगा रुक जाएगा, वो वहीं से कुछ ना कुछ दिन का हाई ही मारेगा, दिन का कुछ लो ही मारेगा, लास्ट में जाके एक जगह कहीं पर स्थिर होकर बंद हो जाएगा। मान लिया कि 100 रुपए ओपन हुआ था, 98 का लो मारा, 105 का हाई मारा, स्थिति बंद हुआ, तो 98 कहां जाएगा, इस लो पे आ जाएगा। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कोई शेयर 100 रुपए पे ऊपर होता है, 98 का लो मारता है, फिर वहां से ऊपर जाकर 105 का हाई मारता है, फिर थोड़ा सा नीचे गिर के एक्सटेंड में बंद हो जाता है। तो क्या बन गई हमारी ये ग्रीन कैंडल। इसी का आप जस्ट उल्टा जब सोचेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, रेड कैंडल। मान लीजिए इसको थोड़ा बताते हैं जल्दी से, मान लीजिए कुछ नहीं है, सपोज करिए वही शेयर था हमारा, क्या हुआ 100 रुपए पर ओपन होता है और मान लीजिए जाके वो 98 पे क्या होता है, क्लोज हो जाता है, तो क्या बन जाएगी रेड कैंडल। क्या देखिए, ओपनिंग ओपनिंग कहा है 100 पे है और क्लोजिंग कहा है 98 पर है, ये नीचे ना रेड कैंडल के क्लोजिंग कहा है नीचे है, तो कोई शेयर ऊपर के स्तर पे खुला 100 पर और उससे 2 रुपए नीचे गिर के बंद हो गया क्लोजिंग, तो क्या बन जाती है हमारी वहां पर, एक रेड कैंडल बन जाती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। तो ये हमारी क्या है, एक कैंडल स्टिक की जानकारी है कि जब हम कोई चार्ट ओपन करते हैं तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्यों बनती हैं और उनपे हाई लो क्लोज क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम आखिर ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। अगर हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो कैंडल स्टिक का हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करें, तो दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। ठीक है, उसके अपने दोस्तों हम आएंगे टाइम फ्रेम जानेंगे। आप जब चार्ट खोलते होंगे तो वहां पर आपको टाइम फ्रेम भी दिखता होगा, आपको वहां पर टाइम फ्रेम भी दिखता होगा कि इस टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, हम कैंडल स्टिक को देखें लेकिन एक्चुअली किस टाइम फ्रेम पर देखें या टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो उसका क्या अलग अलग तरीके से उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। पहली बात तो बताना चाहता हूं कि आप कम से कम अगर कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो डेली के नीचे का टाइम फ्रेम आप बिल्कुल भी यूज मत करिए, पहली बात तो यह है। ठीक है, अब आप डीमैट अकाउंट में गए, लॉग इन किया, वहां पर ने क्या किया, डेली के टाइम फ्रेम को आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने डेली के टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट किया और हमारी कोई कैंडल बन गई, ये कैंडल मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ये रेड हो सकती है या ग्रीन, कोई भी कलर हो, से नहीं फर्क पड़ता है। डेली सिलेक्ट किया तो मतलब कि यह हो गया कि उस दिन का पूरा प्राइस एक्शन क्या हुआ है, क्या हाई है, क्या लो है, क्या ओपनिंग, क्या क्लोजिंग, वो पूरी एक कैंडल बता देगी। अगर आपने क्या किया, वीकली कैंडल ओपन कर दिया, वीकली का टाइम फ्रेम, तो मतलब यह है कि 7 कैंडलें जो बनी हैं, ठीक है, 7 का 5 मान लीजिए एक वीक में, ये मान लीजिए हमारी 5 कैंडलें मिलकर एक वीक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसलिए मैं 5 कैंडल बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट यही 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे, ये 5 कैंडलें हमारी 1 वीक में बनके कंप्लीट हो गई। ठीक है, और आपने वीकली का टाइम फ्रेम लगा दिया तो मतलब ये क्या है, ये 5ों कैंडल में सबसे हाई क्या था, 5ों कैंडलों में जो है सबसे हाई इसी कैंडल तो हाई है और सबसे लो किसका है, इस कैंडल का लो है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर आपकी, जब आप वीकली में ओपन करेंगे और कोई कैंडल स्टिक आप वीकली में लगाएंगे तो मतलब इस 5ों दिन की कैंडल में जो जिस कैंडल का सबसे हाई है वो हाई यहां दिखाएगा, जिस कैंडल का लो सबसे नीचे है वो लो आपको यहां दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये 5ों कैंडलों को मिक्स करके एक कैंडल बन गई, तो क्या हो गई वो वीकली, मतलब ये एक कैंडल एक दिन की नहीं है, ये पूरे 5 दिन की कैंडलों का क्या है, ड्यू है एक कैंडल के अंदर में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। तो इतना हमको कोई डीपली नहीं जानना है कि फिर ये 5 कैंडल क्या है, फिर इसका कैसे क्या ओपनिंग क्या क्लोजिंग क्या रहेगा, वही तो है, समझ लीजिएगा आप जैसे मैं बता आपको। ठीक है, ये हो गई 7 डेज की कैंडल, मतलब इस दिन में कहीं इसमें इस कैंडल में 5 दिनों के कैंडल का पूरा इसमें मिक्सअप है। ठीक है, ऐसे आप मंथली में देखेंगे
तो पूरी जो कैंडल जो हमारे भी पूरे मंथ में जो भी हमारी मार्केट चल रही हो 22 दिन 24 दिन वो डिपेंड करता है कितने उसमें गेस्टर हॉलीडे आ रहे हैं और कहीं छुट्टियां हैं। मान लीजिए 22 दिन मार्केट चली 24 दिन चली तो 24 दिनों की कैंडल का एक कैंडल शो करेगा मंथली में। तो ये मत समझिए कि एक कैंडल है तो मंथली में तो एक दिन की नहीं, मतलब वो 24 कैंडल जो बनी है 22 कैंडल जो बनी पूरे महीने में उन पूरी 22 कैंडलों को मिक्स करके उनका जो हाई लो ओपन क्लोज है वो एक कैंडल में शो कर रहा है। ये हमारा हो गया मंथली का हिसाब किताब दोस्तों, ठीक है। अब क्या है कि ये हमारा टाइम फ्रेम का यूज हो गया कि ये टाइम फ्रेम का मतलब हमारा क्या है कैंडलस्टिक चार्ट में। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि आखिर कैंडलस्टिक चार्ट में जब हम एक नए नए ट्रेडर हैं या हम ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो भैया इसको हम कैसे अपने ट्रेडिंग में यूज करें, कैसे हम इसको प्रयोग करें, क्या करें इसको हम देख करके। तो पहली बात तो ये दोस्तों मैं अभी आपको कुछ छोटी छोटी कुछ आइडिया बताता हूं उसको आप यूज करके एक अच्छा जो है ट्रेडर आप बनने में आपको एक आइडिया हेल्प कर सकता है। जब भी आप चार्ट ओपन कर रहे हैं तो अगर आपको देखिए मार्केट में जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि आपको किसके साथ चलना है, ठीक है। यही तो है मार्केट, ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपके हारने चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एक नया ट्रेडर हूं, मैं आया हूं ट्रेडिंग करने, तो पहली बात तो मैं सेलिंग तो करूंगा नहीं, पहले मैं क्या करूंगा शेयर को बाय करूंगा, तो बेच पाऊंगा मैं, बिना बाई के ही बेच सकते हैं लेकिन वो चीज मत सीखिए आप, अच्छा ही रहेगा। पहले मैं क्या करूंगा शेयर को बाय करूंगा, ठीक है। अब बाय कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कहां करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई शेयर है अब आपने उसका चार्ट ओपन कर दिया और आपको उसमें ऐसी बड़ी बड़ी सी रेड कैंडल कंटिन्यू देखने को मिल रही है कि शेयर लगातार नीचे ही आता जा रहा है, ये रुकने का नाम ही ले रहा है। तो ये अभी हमने बात को आपको बताया कि अगर रेड कैंडल है तो क्या डिनोट कर रही है, वो क्या दिखा रही है, सेलर। कि अभी क्या है, सेलर जो है हावी है, बहुत तेज सेलिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जब किसी चीज की सेलिंग होगी तो उसका प्राइस क्या होगा, नीचे आ जाएगा। आप अपने मार्केट में जाएंगे, सब्जी हो कोई फ्रूट्स हो, अगर उसमें हर कोई दुकानदार बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, मुझसे भी ले जाओ, तो हम जब लेने जाएंगे कहेंगे भैया अब तो सब लोग सेलिंग कर ही रहे हैं, अब तो अपने मर्जी दाम लगाएंगे, मतलब वहां सेलर हावी हो गए हैं और वहां प्राइस क्या होगी, ड्रॉप कर जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगी और शेयर ये नीचे गिरता चला जाएगा। तो रेड कैंडल से चीज आप सीख गए कि रेड कैंडल अगर बैक टू बैक रेड कैंडल बनती चली जा रही है मतलब वहां सेलर अभी हावी है, मतलब प्राइस अभी और भी डीप जा सकती है। तो ऐसे जगह पर आप तुरंत किसी की भी शेयर को खरीदने से थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा बचें कि हो सकता है कि आपने कोई शेयर मान लीजिए यहां पर आके 100 रुपए का हो गया, यहां पर वही शेयर 150 का था, यहां पे 100 रुपए आ गया, आपने सोचा कि शेयर में 50% डिस्काउंट मिल गया है कि लाओ भैया इसको हमले 50% हो, 60% हो, कुछ भी हो, 70% हो, यहां पर डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है, 150 का शेयर 100 रुपए में मिल रहा है, लाओ इसको ले लें, ठीक है। लेकिन इसकी क्या गारंटी नहीं है कि यह शेयर आगे चल के और एक बड़ी सी सेलिंग आएगी और यह शेयर हमारा हो सकता है 80 रुपए का हो जाए, ठीक है। तो कैंडलस्टिक को जानने से भी तो फायदा हो रहा है हमारा कि हम ये जान सकते हैं कि सेलिंग रेड कैंडल है, मतलब सेलिंग बढ़ रही है, वहां पर अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए। कम से कम कब तक कंजा करना चाहिए, जब तक कि मैं आपको बताता हूं कब तक कंजा करना चाहिए। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं किसी लेवल तक सेलिंग आएगी, शेयर खत्म तो हो नहीं जाएगा, ठीक है, एक लेवल तक सेलिंग आएगी। अब मैं थोड़ा सा मान लीजिए यहां तक हमारी सेलिंग आई थी, ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारी सेलिंग आई, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये शेयर 150 का, यहां पर हमारा शेयर कितना हो गया था 100 रुपीज का, ठीक है। अब किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, वहां पर जाकर के अभी तक तो सिर्फ किसका दिन था, सेलर का,
बेचते जाओ बेचते जाओ, रेट गिराते जाओ, कहीं ना कहीं जाके हम जैसे खरीदार भी तो एक्टिव होंगे कि नहीं भैया बस बहुत गिर गया, अब हमारे खरीदने की बारी है, अब हम नहीं चूकने वाले हैं, अब हम खरीदेंगे। तो अब यहां पर कुछ बायर आएंगे, ठीक है, बायर आएंगे और इनके बीच में क्या होगी, यहां पर फाइट हो जाएगी। अब मान लीजिए यहां पर कुछ जो है बायर एंट्री कर गए, खरीदने वाले एंट्री कर गए, यहां मान लीजिए कुछ हमारे बायर आ गए कि नहीं भैया बस बहुत हो गया, अब नहीं गिरने दूंगा, अब मुझे खरीदना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब उस समय आप देखेंगे कि यहां पर कुछ कैंडले ऐसी बनने लगती हैं, कुछ कैंडले आपको कुछ ऐसी ऐसी बनने लगेंगी जो कैंडल आप कहेंगे ये कैसी कैंडल बन रही है, मैंने ब्लैक बना दिया आपको, बाकी ब्लैक नहीं, वो आपको रेड में या ग्रीन में ही दिखाई देगी, ठीक है। ऐसी कैंडल बनने लगी, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि भाई देखिए एक बड़ी सी बने ग्रीन कैंडल, ठीक है, तब तो समझ में आता है कि हमें इसका कुछ मतलब है कि चलो भैया ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, कोई बात नहीं, यहां पर क्या थे बायर थे, प्राइस को ऊपर लेके बन गई ग्रीन कैंडल, ठीक है। लेकिन ऐसी कैंडल का क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल तो बने लेकिन ऐसे बन गई, इसका क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल तो है लेकिन इस कैंडल का क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल तो है लेकिन इसका क्या मतलब है, अजीब अजीब सी कैंडल बनेगी जिसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कैंडल जो है रहेगी तो ग्रीन कैंडल, लेकिन आप देखेंगे बॉडी पार्ट क्या होगा उनका, बहुत छोटा छोटा सा रहेगा, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये क्या रहेगा, बहुत छोटा छोटा सा रहेगा। या तो वो रेड कैंडल भी यहां बन सकती, जो जो चारों कैंडल है, हमने क्या बताया, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, या ऐसी बनेगी रेड कैंडल, ऐसी बन जाएगी रेड कैंडल, ऐसी बन गई, या ऐसी बन गई रेड कैंडल, या ऐसी बन गई रेड कैंडल, या फिर ऐसी बन गई रेड कैंडल, मतलब कहने को तो रहेंगी ये ग्रीन या रेड में रहेंगी, लेकिन आप इसमें खास चीज देखेंगे कि इनका जो ये बॉडी पार्ट है वो बहुत छोटा रहेगा और उसके कंपेयर में उसकी जो बिक है, ये जो शैडो है, बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी। आप देखिएगा, आप इस ग्रीन कैंडल को देखिए और चाहे इस रेड कैंडल देखिए, इसमें क्या है और इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस देखिए, इसमें क्या है, दोनों में ये बॉडी पार्ट जो बीच का है, मैं जब बॉडी पार्ट बोलता हूं तो आप केवल इस हिस्से को देखिएगा, इस वाले हिस्से को, बॉडी जो है वो दोनों में। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो ही बनाता हूं और अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ध्यान रहे बताया कि स्टॉक इंडेक्स आदि उदाहरण के लिए है, उन्हें खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, आप इनमें देख रहे हैं जो हमारी रेड कैंडल है इसमें क्या है, ये जो बॉडी पार्ट है ये बड़ा है और बिके क्या है छोटी छोटी है। ऐसे ही जो ये ग्रीन कैंडल है इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है इसमें ये बॉडी पार्ट क्या है, बड़ा है और बिके क्या है छोटी छोटी है। लेकिन इसके कंपेयर में आप इनको देखिएगा, जो चार कैंडल है इनमें बॉडी पार्ट बहुत छोटा है और बिके क्या है बड़ी बड़ी है। देखिए बॉडी पार्ट बहुत छोटा है और बिके बड़ी बड़ी है। वैसे ही आप ये जो चारों हमारी ऊपर की रेड कैंडल है इसमें क्या है, बॉडी पार्ट छोटा है लेकिन बिके क्या है, जो शैडो है बड़ी बड़ी है। तो ये जब कैंडले बनने लगे मार्केट में कहीं, मतलब ना बड़ी सी बन पाए रेड कैंडल ना बड़ी सी बन पाए ग्रीन कैंडल, तो आप खुद सोचिए इसका मतलब ना बड़ी सी रेड कैंडल बनी मतलब कि सेलर जो है ज्यादा हावी नहीं है, ना बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई मतलब बायर भी ज्यादा हावी नहीं है, यानी बराबर की फाइट चल रही है। बस उस फाइट में क्या है, थोड़ा सा सेलर जीत गए इसलिए छोटी सी रेड कैंडल बन गई, हो सकता उस फाइट में थोड़ा सा बायर जीत गए तो छोटी सी ग्रीन कैंडल आ गई। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई उसमें बायर जीत ही गए हैं पूरा, नहीं कंप्लीट नहीं जीत पाए हैं, थोड़ा सा जीत गए हैं इसलिए छोटी सी बॉडी आ गई, बाकी केवल बिके बिके ही रह गई। तो जब मार्केट में ऐसे कैंडल्स बनने लगे तो समझ जाइए कि जो सेलिंग इतनी चल रही थी अब यहां पर बायर जो है एंट्री करना स्टार्ट कर दिए हैं, और अब यहां पर बायर
और जो सेलिंग किए थे सेलर उनके बीच में क्या है फाइट स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहां पर ये कैंडल छोटी छोटी कैंडल बनने लगी है। अब जो हमारे पुराने भाई बहन तो जानते हैं बेस कैंडल क्या है, सदाबहार चीज है, इसके बिना ट्रेडिंग करना ही असंभव है मुझे लगता है। अब आप समझाइएगा इन ऐसी कैंडल्स को हमने नाम दिया है बेस कैंडल। आप इसको बोलेंगे आज से क्या कि क्या हमारी बेस कैंडल्स है दोस्तों, ठीक है। तो जब बेस कैंडल बनने लगे तो समझ आइए कि अब बार सेलर की यहां पर फाइट स्टार्ट हो गई है। अभी भी हमको एंट्री नहीं करनी है, हमें यह ध्यान देना है कि इसमें आखिर लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक बात है। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि लड़ाई में कौन जीता है, हो सकता है इसने सेलिंग किया है वो फिर से जीत जाए और फिर प्राइज को नीचे पुशअप कर दे। अभी नहीं एंट्री लेना है, इंतजार करना है, इंतजार करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। अब हो सकता है उसके बाद आपको इस लड़ाई के बाद में ऐसी कंडले दिखने लगे, ऐसी कंडले दिखने लगे, ग्रीन कंडले बैक टू बैक आने लगे। अब इस बात प्रूफ हो गई कि पहले सेलर हावी थे, लगातार रेड कैंडल आ रही थी, सेलिंग लगातार किए जा रहे थे तो प्राइस नीचे गिरती आ रही थी। इस लेवल पर कहीं जाकर के क्या हुई, चार बनी बेस कैंडले, वो प्रूफ कर रहा था कि बार सेलिंग फाइट स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद इस फाइट के बाद में क्या गई, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आने लगी। तो ग्रीन कैंडल क्या बताता है, बायर अब एक्टिव हो चुके हैं और सेलर क्या है कमजोर पड़ चुके हैं, अब प्राइस ऊपर जा रही, मतलब अब बायर आ गए ऊपर। तो जब बायर आ गए हैं अब उन्हीं के साथ में हम भी बाइंग कर सकते हैं। ये बायर दोस्तों क्या होते हैं, ये बायर कोई छोटे मोटे बायर नहीं होते जो इतनी बड़ी ग्राउंड को होल्ड करके ऊपर भेज देते हैं। इन ये जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, मतलब बहुत बड़े प्लेयर होते हैं जो हजारों करोड़ों में यहां पर पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम जैसे रिटेलर्स के बाइंग करने से कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बिग ग्रीन कैंडल तुरंत नहीं आ जाएगी, बहुत। तो हमें अगर अपने जीवन में सफल होना है तो क्या करते, यही तो करते हैं कि भैया किसी बड़े महापुरुष के विचारों को मानना शुरू कर दे, या कोई बड़ा आदमी कुछ अच्छा काम कर रहा है उससे जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं कि भैया हम भी ऐसा ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये वही काम स्टॉक मार्केट में भी है। अगर हम सोचे कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे जिसको आप ऑपरेटर बोल देते हैं, ठीक है, हम सोचे कि उनको बायकॉट कर दे, उनको नजरअंदाज कर दे फिर पैसा बना ले, तो मुझे लगता है फिर पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है मार्केट में, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप आंख बंद कहीं भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं कि भैया स्टडी आपने शेयर पे किया, स्टडी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, ये है मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो वहां तो आप चलो कर दिए, आज नहीं शेयर कल जाएगा ऊपर, 10 साल बाद ऊपर जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में कम समय में जल्दी पैसा बनाए, तो उसके लिए आपको तो ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। या तो आपके पास में दो ही चीज है, या तो आपके पास में 10 साल का समय हो, या और अगर आप पास में फंड कम है, फंड बहुत कम है तो, और जो है तो आपको क्या चाहिए, साल कम चाहिए ताकि हम ज्यादा बार अपने पैसे को रोटेट कर सके। तो उसके लिए आप पास में क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, कैंडलस्टिक क्या है, ये जो एलएलसी आपको बता रहा हूं, ठीक है। कम पैसे में फंड को ज्यादा तेज बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए। और उसके बाद में अगर फंड सफिशियंट है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास समय भी है 10 साल में 20 साल में, तो ठीक है, उसके लिए तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए, शेयर अगर अच्छा है तो ऊपर जाते जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ, अब यह हमने देख लिया कि यहां पर बायर आ चुके हैं, मतलब अब यहां पर बड़े बड़े लोग बाय कर रहे हैं, तो हम क्यों चूकेंगे, हम भी नहीं चूकेंगे। तो अब हम यहां पर तब जाके हमको अपनी पोजीशन बनाने के लिए प्लान करना चाहिए। अब जब बायर यहां पर आ गए हैं तो अब तुम तुरंत हमको यहां पर बाय भी नहीं कर लेना है, क्यों, क्योंकि प्राइस यहां से यहां तक तो इतना ऊपर चली ही गई, जो शेयर यहां पर 100 रुपए का हो था, मैंने क्या कहा 100 रुपए का, वो 100 रुपए का शेयर यहां से यहां जाते जाते जहां से गिरा था 150 से उसके 80 पास तो पहुंच गया। मैं कहता हूं मान लीजिए यहां पर 130 का भी हो गया तो 100 रुपए का शेयर 130 का हो गया, मतलब 30% तो ऊपर जा चुका है। हो सकता है आप यहां पर बाय कर ले तो भी आपको 150 तक का भी टारगेट मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से 20 में मिल जाए। लेकिन हो सकता है आप यहां बाय करते ही थोड़ा सा प्राइस डाउन है,
अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर कैसे हम यहां से क्या प्लानना चाहिए, हम कहां एंट्री करेंगे, यहां एंट्री करेंगे कि दोबारा हम इंतजार करेंगे कि शेयर गिरते हुए इस लेवल पाए, तब हमें कंफर्मेशन एंट्री करेंगे, उसके बाद हम पूरे रैली का एंजॉय करेंगे। दोस्तों इसके आगे की पूरी वीडियो आपको जल्दी मैं दूंगा, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई है। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में वही चीज, अगर आप कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, किसी के कहने पर कभी कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग न करें।